hey learners, welcome back to my youtube channel here i come with the series of your history chapter, the rise of nationalism in europe. and uh, step by step, very slowly, we understand the whole concept of this chapter. and uh, you can say that 80% chapter we have completed. and now, today is the last video from this chapter. so, shall we start on today's video? विज़ुलाइजिंग दी नेशन विज़ुलाइजिंग का मतलब क्या होता है विजुअल मतलब कि कोई पॉट्रेट कोई ड्रॉइंग या कोई स्केच जिसके जरिए हम किसी भी नेशन को एक फेस देने की कोशिश करते हैं एक चेहरा देने की कोशिश करते हैं एक्चुअली बहुत ईजी होता है यदि हमें किसी किंग को या किसी रूलर को पर्सोनीफाई करना है उसको दिखाना है तो हम किसी भी उसका पोर्ट्रेट या स्टैचू बना करके इजीली दिखा सकते हैं बट हाउ डज़ वन गो थ्रू अबाउट गो अबाउट गिविंग अ फेस टू अ नेशन एटीन और नाइनटीन सेंचुरीज़ के जो आर्टिस्ट uh, थे वो नेशन को फेस uh, एक कंट्री को एक पर्सन की तरह ट्रीट करते थे जैसे कि वो एक लिविंग ह्यूमन बींग हो और स्पेशली उन्होंने नेशंस को रिप्रेजेंट करने के लिए या आप कह सकते हो पोर्ट्रेट करने के लिए फीमेल फिगर को चुना था फीमेल फिगर को क्यों चुना क्योंकि जो फीमेल्स होती हैं उनकी जो हम्बलनेस है उनका जो अफेक्शन है उनके अंदर जो सेक्रीफाइस की फीलिंग है जितनी प्योरिटी वूमेंस के अंदर है तो आर्टिस्ट को लगा फीमेल फिगर से बैटर एक नेशन को फेस देने के लिए या एक तरह से पर्सोनिफाई करने के लिए उससे बैटर कोई ऑप्शन नहीं हो सकता है सो दे चूज़ फीमेल फिगर टू परसोनीफाई ए नेशन अब इसको एलिग्री क्या होती है एलिग्री कोई स्टोरी होती है जिसके अंदर जो जनरल लाइफ के जो व्यूज़ होते हैं वो रिप्रेजेंट किए जाते हैं बट इसके अंदर एक एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटी को रिप्रेजेंट किया जाता है एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटी मीन्स एब्स्ट्रैक्ट होता है एक तरह से आप कह सकते हो नॉन लिविंग पर्सन ओके ओके इसको एक बेटर ऑप्शन से एग्जाम्पल से समझते हैं हेयर इज़ अ पैन यू कैन सी पैन कैन बी वन ऑफ द बेस्ट सोल्जर्स पैन जो है वो एक उत्तम योद्धा है जो दिल भी जीत सकता है और लड़ाई भी यहाँ पर मैंने पेन को एक योद्धा एक ह्यूमन बीइंग की तरह ट्रीट किया है उसे पर्सोनिफाई किया है दिस इज कॉल्ड एलेगरी ये एलेग्री कहलाता है आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि एलेग्री क्या होती है जब भी हम मान लीजिए इंडिया को सिंबलाइज़ करते हैं जब भी हम भारत की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में एक ये इमेज आती है कि पीछे इंडिया का फ्लैग है आगे एक लेडी खड़ी हुई है जिनके हाथ में ट्राइकलर हमारा नेशनल फ्लैग है उन्होंने ट्राई कलर की सारी पहन रखी है तो इस तरह से हम अपने कंट्री को विजुअलाइज़ करते हैं यानी भारत को भारत माता का रूप दिया गया जब हम कॉलोनील थे ब्रिटिशर्स के तो इनको इस लेडी को बेड़ियों में जकड़ा हुआ दिखाया गया था जो उस समय की हमारी दिखा रहा था कि हम उनके कॉलोनियल हैं तो आप समझ सकते हो अब आपको समझ आ गया होगा कि फेस देना यानी कि विजुअलाइज करना क्या होता है और उस समय पर भी जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था फ्रेंच रेवोल्यूशन के अंदर बहुत सारे सिम्बल्स यूज़ किए गए थे डिफरेंट डिफरेंट सिम्बल्स डिफरेंट डिफरेंट थाट को प्रजेंट करने के लिए जैसे ब्रोकन चेन फ्री होने को डिनोट कर रहा है ये लिबरल नेशनलिस्ट मूवमेंट को दिखा रहा है स्वर्ड जो रेडीनेस टू लाइट को शो कर रही है एंड दिस इज द सिंबल ऑफ जर्मन एम्पायर एंड इट्स अ स्ट्रेंथ ऑलि ब्रांच अराउंड दिस वार्ड शोज़ द विलिंगनेस टू मेक पीस एंड रेज ऑफ द राइजिंग सन शोज़ द बिगनिंग ऑफ अ न्यू इरा उसी तरह से फ्रांस और जर्मनी के अंदर भी फीमेल फिगर्स यानी कि फीमेल एलिग्रीज इन्वेंट की गई आर्टिस्ट के ज़रिए नाइनटीन्थ सेंचुरी में जो नेशन को रिप्रेजेंट कर सके फ्रांस के लिए चूज किया गया क्रिश्चन मेरियन को अ पॉपुलर क्रिश्चन नेम विच रिप्रेजेंटेड द आइडिया ऑफ अ पीपल्स नेशन लिबर्टी रिपब्लिक एंड आप को जानकर हैरानी होगी कि ये जो फीमेल फिगर्स हैं ये रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करती हैं ये किसी रियल वूमन का नाम नहीं है ओके okay, ये केवल एक एलिगरी है एक आर्टिस्ट की एक आप कह सकते हो इमेजिनेशन है और जर्मनी ने चूज किया जर्मेनिया को क्रिश्चियन मैरियन का जो स्टैचू था उसे स्क्वेर्स uh, पे सिंबल्स, कॉइन्स uh, पे स्टैम्प्स पे पब्लिस किया गया ताकि जो uh, लोगों को ये रिमाइंड करा सके पब्लिक को नेशनल सिंबल ऑफ यूनिटी है ये और लोगों को इंस्पायर कर सके कि उन्हें यूनिफाई होकर रहना है वो उनकी एक आइडेंटिटी बन जाए जर्मेनिया ने एक क्राउन पहन रखा है ओक लीव्स का जिस जर्मन भाषा में ओक जो है वो हीरोइज़्म को स्टैंड करता है उसका मतलब हीरोइज़्म होता है एंड दिस इज़ फ्रिक्वेंटली आस्ट क्वेश्चन इन वन मार्क्स कि जर्मेनिया का जो क्राउन होता है उसमें ओक क्या डिफाइन कर रहा है तो हेयर आपको ये याद रखना होगा एंड नाउ आवर दिस इज आर लास्ट टॉपिक इम्पीरियलिज़्म एंड नेशनलिज्म ओके okay, नेशनलिज़्म आप अभी तक बहुत पढ़ चुके हैं कि अपने नेशन के प्रति प्यार ही नेशनलिज़्म है लेकिन ये नेशनलिज़्म जो है वो धीरे धीरे इम्पीरियलिज्म में चेंज हो जाता है यानी कि मैं फ्री हो गई हूँ अब इंडिया जो है वो फ्री हो गया है और फ्री होने के बाद वो अपनी फ्रीडम को इंजॉय करने की बजाय दूसरे कंट्रीज़ को ओवर करने की कोशिश कर रहा है दैट इज़ एम्पीरियलिज़्म मेरा भारत महान है लेकिन केवल मेरा ही भारत महान है इन दोनों डेफिनेशंस में अंतर है। बहुत अच्छी बात है मेरा भारत महान है एंड आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन लेकिन मैं दूसरे कंट्रीज़ को कुछ ना समझूँ और मैं यही समझूं कि मेरा ही भारत महान रहे इसके लिए मुझे चाहे कुछ भी करना पड़े मैं पूरे वर्ल्ड को कॉन्क्र करना चाहती हूँ दैट इज इम्पीरियलिज्म इम्पीरियलिज्म इज अ पॉलिसी इन विच अ स्ट्रोंग नेशन सिक्स टू डोमिनेट अदर कंट्रीज पॉलिटिकली सोशली और इकोनॉमिकली यहाँ आपको एक इमेज दिख रही होगी जिसमें ये ब्रिटिश गवर्नमेंट है और उस समय पर ये बहुत सारे वर्ल्ड के नेशंस को अपनी कॉलोनीज बनाकर रख रहा था और इवन हम भी उसके कॉलोनियल्स थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के तो यही इम्पीरियलिज्म है और ये एम्पेरियलिज़म सबसे ज़्यादा जो सीरियस मैटर बना सीरियस टेंशन बनी यानी कि नेशनलिस्ट जो एक तरह से कह सकते हो आप टेंशन बनी यूरोप में आफ्टर उस एरिया को कहा जाता है बालकन्स बालकन्स एक रीज़न है एक एरिया है जहाँ पर एथनिक एंड जोग्रफ़िकल बहुत सारी वेरिएशंस हैं लैंग्वेज उनकी कल्चर उनकी ड्रेस तो देर आर सो मैनी डिफरेंसेस एंड मैनी वेरिएशंस आर देयर और मॉडर्न डे में जो रोमानिया बुल्गारिया क्रोशिया सर्बिया, मोन्टेग्रो ये सब जो रीज़न है दिस इज़ दालकन रीज़न एंड वर्ल्ड के मैप में आप ढूंढेंगे तो ये इटली है तो आप समझ सकते हो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो इजीली कहाँ पर है और इनके जो हैबिटेंट्स थे उन्हें स्लाव्स कहा जाता था इकट्ठा करके जब उन्हें नाम दिया गया तो उन्हें स्लाव्स कहा जाता था और ये जो छोटे छोटे कंट्री हैं उस समय पर ऑटोमन एम्पायर के अंडर थे ऑटोमन एम्पायर इनको रूल कर रहा था बट इन सबकी प्रॉब्लम ये थी कि दे आर जैलस टू ईच अदर एंड ईच होप टू गेन मोर पावर अब ये नहीं चाहते थे कि ऑटोमन एम्पायर हम पे रूल करे तो ये धीरे धीरे उन्होंने अपने आइडियाज जो रोमांटिक नेशनलिज्म का जो मूवमेंट चला था उस समय पर इन्होंने डिसइंटीग्रेशन डिस इंटीग्रेट कर दिया ऑटोमन एम्पायर को और ट्राई किया कि हमें फ्रीडम मिले बट ऑटोमन एम्पायर है ट्राई टू स्ट्रेंथन इट्स थ्रू मॉडर्नाइजेशन एंड इनर रिफॉर्म्स बट वो फेल हो गया और इन बालकन्स रीजन्स ने धीरे धीरे अपने आप को बहुत ही इंडिपेंडेंट uh, अनाउंस कर दिया और ये एक इंडिपेंडेंट स्टेट बनकर अलग अलग हो गई लेकिन अलग होने के बाद इनके ईच होप टू गेन मोर टेरिटरी एट द एक्सपेंस ऑफ द अदर एंड मैटर गॉट फर्दर कॉम्प्लिकेटेड बिकॉज दी बाल्कन्स ऑल्सो बिकेम द सीन ऑफ बिग पावर राइवलरी सीन तब और ज़्यादा खतरनाक हो जाता है जब ऐसी बड़ी बड़ी, बड़ी पावर्स भी इस बालकन रीजन में इंटरेस्टेड हो जाती हैं और जब ये पावर इन्वॉल्व होती हैं इस रीजन में तो उसका रिजल्ट होता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इन 1914 क्योंकि उस समय पर जितने भी कंट्रीज़ थे वो सब चाह रहे थे कि इम्पीरियल अथॉरिटी को ख़त्म किया जाए इम्पीरियलिज़म को ख़त्म किया जाए और सब कंट्रीज़ के अंदर एंटी इम्पीरियल मूवमेंट चल रहे थे सब नेशन स्टेट का आइडिया फॉलो करना चाहते थे सब चाहते थे कि जो नेशन स्टेट है वो यूनिवर्सल और नेचुरल है और वो हमें मिलना ही चाहिए और उसका रिजल्ट हुआ नाइनटीन का फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आप कह सकते हो कि बालकन इज़ द बर्थ प्लेस फॉर दी ऑफ़ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर एंड दिस चैप्टर इज़ come to an end so thank you very much मैंने बहुत छोटे छोटे वीडियोस में टॉपिक वाइज आपको ये चैप्टर समझाया है लेकिन आप लोग यदि चाहते चाहें तो मैं इस पूरे चैप्टर को एक वीडियो में कंप्लीट कर न, कर सकती हूँ उसके लिए यदि आप ऐसा चाहते हैं तो मुझे कमेंट करें मुझे बताएं अगर आपके कमेंट्स मुझ पर आ, मुझ तक आते हैं तो मैं ज़रूर उन्हें कंसीडर करूंगी और एक वीडियो में इस चैप्टर को कंक्लूड करने की कोशिश करूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल्स इफ़ यू लाइक माय वीडियोस एंड इट लुक्स फ्रूटफुल टू यू देन शेयर विद योर फ्रेंड्स सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल बटन सो दैट यू विल गेट द नोटिफिकेशन ऑफ माई न्यू वीडियो थैंक यू